एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 5 जो बच गए थे वो 5 आज हम पढ़ने जा रहे हैं। 5 क्या कह रहा है? द अल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स ब्रेथ इफ द हाइपोटेनस इज 13 सेंटीमीटर फाइंड द अदर टू साइड्स। अब यहां क्या बोल रहा है? पहले बोला राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, तो हम राइट एंगल ट्रायंगल बना दिए। ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल में क्या है कि ये वाला पार्ट हाइपोटेनस है, ये वाला पार्ट आपका बेस है और ये वाला पार्ट परपेंडिकुलर है, ठीक है। अब यहां पर बोला है द अल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस इट्स बेस लेस देन इट्स ब्रेथ, यानी ब्रेथ से 7 सेंटीमीटर जो अल्टीट्यूड है वो कम है। अल्टीट्यूड क्या है? कम है। तो यानी ब्रेथ को यदि हम एक्स ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? एक्स माइनस 7 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस बोला है, यानी बेस यदि x है तो x माइनस 7 हो जाएगा, ठीक है। अब इफ द हाइटनेस इज 13 सेंटीमीटर, यानी हाइटनेस कितना बोल रहा है? 13 सेंटीमीटर। तो बोल रहा फाइंड द अदर टू साइड्स, यानी अदर टू साइड मतलब ये साइड और ये साइड आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन में चलते हैं। सॉल्यूशन लिखेंगे, लेट द बेस ऑफ ट्राइंगल, ठीक, इक्वल टू क्या हो जाएगा? एक्स हो जाएगा, ठीक है। और परपेंडिकुलर ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा? आपका एक्स माइनस 7 हो जाएगा, ठीक है। और हाइपोटेनस ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा? आपका 13 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं? पाइथागोरस थ्योरम से कि हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है इज इक्वल टू होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी अल्टीट्यूड का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो अब वही हम लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम। इससे हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होता है यानी परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर क्या हो गया हमारे पास? परपेंडिकुलर हो गया आपके पास एक्स माइनस 7 का स्क्वायर प्लस बेस क्या हो गया? एक्स का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया? 13 का स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करेंगे? ये टूट जाएगा ए माइनस बी के फॉर्म में। तो ए माइनस बी का फॉर्म होता है एक्स का स्क्वायर, पहला एक्स का स्क्वायर आ जाएगा, फिर 2ab आ जाएगा, तो 7 टू जाएगा 14 और 14 और एक्स, 14x हो जाएगा माइनस है तो माइनस 14x हो जाएगा, और 7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना जाएगा? 49 हो जाएगा, ठीक है। और प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना? 13। अब 13 का स्क्वायर करेंगे तो कितना जाएगा? 169 हो जाएगा, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2x स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या है? 14x को 14x रहने देंगे, ठीक है। अब यहां पर कितना है? प्लस का 49 है, ये आपका क्या है? प्लस में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0। अब क्या करेंगे? 2x स्क्वायर का 2x स्क्वायर लिखेंगे, माइनस 14x है तो माइनस 14x लिखेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा 120, और ये प्लस का माइनस का साइन बड़ा है तो यहां माइनस का साइन होगा, इक्वल टू 0। अब क्या है? सभी 2 के टेबल में कट रहा है तो काट देंगे, यानी 2 के टेबल में सभी को काट के हटा देंगे, तो यहां हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहां हो जाएगा आपका कितना? 7x हो जाएगा, और यहां पर हो जाएगा 60, ठीक है। सबको 2 के टेबल से डिवाइड कर दिए, ठीक है। अब हम देखेंगे कि हमारा मिडिल टर्म स्प्लिट करना है, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे, बीच में तोड़ेंगे, प्लस माइनस करने पर ये होना चाहिए। तो 60 है तो 60 का होता है 12 5, 60 होता है तो 12 और 5 लिखेंगे, और यहां पर माइनस का साइन इसमें देंगे, प्लस का साइन इसमें देंगे, एक्स और एक्स, तो 12x में से 5x चल जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का 7x हो जाएगा, तो यानी कि सैटिस्फाई कर रहा है। तो ये वाला वैल्यू कहां रखेंगे? इन द प्लेस ऑफ 7x लिखेंगे, तो यहां लिखेंगे x स्क्वायर माइनस 12x माइनस प्लस 5x और माइनस 60 इक्वल टू क्या लिखेंगे? 0। अब क्या है? यहां से दोनों से x कॉमन चल जाएगा, x माइनस x कॉमन चल जाएगा, तो यहां बचेगा आपका क्या? x बचेगा, और यहां क्या बचेगा? माइनस 12 बचेगा, ठीक है।
यहां से प्लस 5 कॉमन चल जाएगा तो यहां बचेगा x माइनस 12 बचेगा इक्वल टू कितना 0। ठीक है, अब x माइनस 12 कॉमन चला जाएगा और यहां हो जाएगा x माइनस 5 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब क्या हो जाएगा x माइनस 12 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 12 यानी कि प्लस का 12 हो गया। अब यहां पर तो यहां पर देखेंगे x प्लस 5 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस का 5 हो जाएगा। ठीक है, यहां वाला वैल्यू आपका कितना आया x प्लस 12 आया तो यानी कि x माइनस 12 इक्वल टू क्या है 0 तो x इक्वल टू कितना आया प्लस का 12। तो हमारा क्या बोला था कि बेस निकालने के लिए तो हमारा माइनस वाला साइन नहीं लिख सकते हैं, प्लस वाला साइन लिखेंगे क्योंकि जब भी किसी का हाइट हो मेजर करना हो तो हम प्लस में लेते हैं तो यानी कि 12 लिखेंगे। तो यहां पर क्या लिखेंगे आपका यानी बेस जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा और 12 में से 7 माइनस करें तो 5 हो जाएगा यानी कि बेस हो गया आपका 12 सेंटीमीटर और ये हो गया आपका 5 सेंटीमीटर और यही आपका आंसर हो गया। तो आशा है आपको बात समझ में आएगी, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन बता देंगे। धन्यवाद।